और सन 14 के चुनाव को बताओ 13 में दंगे करा दिए, 19 में चुनाव हुए, 18 में पुलवामा करा दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम है जय श्री राम, मैं भी कहता हूँ जय श्री राम। मैंने भी ग्रंथ पढ़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करके उसको पोलराइजेशन करके चुनाव में वोटों का लाभ लेना चाहती है। ये केवल हिंदुत्व की मार्केटिंग करती है। कल अगर जय लोकदल का राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन अगर हो जाता है तब क्या करेंगे जिला अध्यक्ष साहब? नमस्कार, जेडी न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव नजदीक में रालोद के गठबंधन को लेकर तमाम चर्चाएं जोरों पर हैं। राजनीतिक चर्चाओं के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, रालोद के गठबंधन के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जिला अध्यक्ष सहारनपुर राव केसर सलीम जी। राव केसर सलीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। गठबंधन की चर्चाएं हो रही है, तमाम चर्चाएं जोरों पर, आखिर गठबंधन होगा तो होगा किससे? देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी स्पष्ट बयान दे चुके हैं कि वो इंडिया का हिस्सा, अभिन्न अंग है, इंडिया का अभिन्न हिस्सा है और हम विपक्ष की एकजुटता में पूरे पूरे यकीन रखते हैं और इंडिया के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, ये सर्वविदित है, इसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं। क्या जयंत चौधरी भी बोलेंगे इस बार जय श्री राम? देखिए, जय श्री राम बोलना कोई बुरी बात नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है जय श्री राम, मैं भी कहता हूँ जय श्री राम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई एनडीए के घटक दल बनने जा रहे हैं। ये बिल्कुल साफ साफ बात है कि हम इंडिया में रहेंगे। ये भाजपा का एक प्रायोजित जो है वो एक हथकंडा है, एक प्रायोजित प्रोपोगंडा है। ये नहीं चाहते कि माननीय जयंत चौधरी जी एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में एक धर्मनिरपेक्ष ताकत के रूप में, एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में उभरे, जिससे कि वो इनकी कुर्सी डवाडोल हो सके, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे मजबूत पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष नेता है, सब धर्मों को साथ लेकर मोहब्बत का जो एक पैगाम जो देना चाहते हैं, जो माननीय जयंत चौधरी जी 1500 गांव में पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव जाकर समरसता अभियान चला रहे हैं, उससे जो एक मोहब्बत का एक माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी, माननीय जयंत चौधरी जी का ये दुष्प्रचार करके कि वो भाजपा के साथ आने जा रही है, उनका केवल प्रोपोगंडा है, दुष्प्रचार है, केवल इसलिए कि उनका धर्मनिरपेक्ष ताकतों में उनका विश्वास ना जम जाए, उनके विश्वास को उखाड़ने का ये एक हथकंडा है भारतीय जनता पार्टी का। क्या भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है? आप ऐसा आरोप लगाए, ऐसी बात करें? 100% में यही बात कह रहा हूँ। अगर धर्मनिरपेक्ष पार्टी होती तो नू का झगड़ा ना होता, धर्मनिरपेक्ष पार्टी होती तो जितने भी सांप्रदायिक दंगे इस सरकार में हुए हैं उसमें सरकार मूकदर्शक बनी ना बैठी होती। ये केवल हिंदुत्व की मार्केटिंग करती है। रामचंद्र जी के नाम पर उन बेरोजगार लोगों को सड़क पर उतार दिया है कि वो हमारे पढ़े लिखे युवा रोजगार ना मांग सकें, अपनी शिक्षा ना मांग सकें, अपना हक ना मांग सकें, उनको जय श्री राम का एक हथियार बनाकर, जय श्री राम के नाम को उनके हाथों में पकड़ाकर उनकी मति को संतों को अपने कब्जे में कर और उन्हें एक धर्म का नशा पिलाकर सड़क पर उतार दिया है, जिससे वो एक सांप्रदायिक माहौल जो है उसको बना सके, अपने लिए रोजगार ना मांग सके, अपने हक ना मांग सके और जय श्री राम की मार्केटिंग उसके लिए के नाम की, मर्यादा पुरुषोत्तम जिनकी मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने भी ग्रंथ पढ़े हैं, एक बेमिसाल हस्ती मर्यादा पुरुषोत्तम रहे रामचंद्र जी, जिनकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, उनके नाम को इस्तेमाल करके उनकी छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम कर रहे हैं और इसका चुनावी लाभ लेने का एक फैसला का काम करते हैं। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का यही काम रहा है। मैं आपको सन 14 के चुनाव को बताऊं, 13 में दंगे करा दिए, 19 में चुनाव हुए, 18 में पुलवामा करा दिया, अब 24 में फिर चुनाव है, 24 में अब नू जैसी घटना, नू को ही क्यों टारगेट किया गया? हरियाणा उससे मिलता है, हिमाचल उससे, आपका ये हरियाणा में चुनाव है, आपके राजस्थान में चुनाव है, उसी को टारगेट करके जो है वो, वरना नू के लोग, आज भी उनका बयान आ रहा है नू के लोगों का कि हम यहाँ बहुत ही खुशहाल हैं, आपसी सौहार्द से रहते हैं, ये झगड़ा आके बाहर वालों ने कहा है। आखिर कौन वो बाहर वाले लोग हैं? मैं मुबारकबाद देता हूँ किसान लोगों को जिन्होंने आज सामने आकर, सड़कों पर आकर ये कहा है
कि हम पहले किसान हैं, बाद में हिंदू या मुस्लिम हैं, हम यहाँ एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की रक्षा करेंगे, एक दूसरे के मिलकर साथ रहेंगे। मैं किसान बिरादरी का धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ इस बात की कि उन्होंने नू के बहाने जो भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो एक दंगे का माहौल और भयंकर दहशत का माहौल फैला देना चाहती थी, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं रोकने का काम किया। वरना 3 महीने तक 4 महीने तक नू जलता रहा और प्रधानमंत्री कोई बयान ना दे, ये उनका उनको मौन समर्थन था। मुख्यमंत्री बयान ना दे, उनका मौन समर्थन था। वहां भी भाजपा की सरकार है, वहां भी भाजपा। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करके, उसको पोलराइजेशन करके चुनाव में वोटों का लाभ लेना चाहती। जो आप एक बात बताइए मुझे, जितने भी ये मॉब धर्म के नाम पर निकलते हैं, वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, किसी भी धर्म की बात हो, जितने भी मॉब सड़कों पर आती है, उसमें किसी नेता का बच्चा रहा कभी? किसी अधिकारी का बच्चा रहा कभी? किसी मंत्री का बच्चा रहा कभी? ये वो नौजवान है जिन्हें रास्ते से भटका दिया गया, मुकदमे उन पर कायम होते हैं, जेलों में वो सड़ते हैं, और सरकार में रहकर इनके राजनेताओं के अराजनेताओं के बच्चे वो बस भी लेते हैं, वो ऐश लेते हैं और बलिदान उनका दे देते हैं। कल अगर जय लोकदल का, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन अगर हो जाता है, तब क्या करेंगे जिलाध्यक्ष सहारनपुर? देखिए, जिलाध्यक्ष सहारनपुर माननीय जयंत चौधरी जी के सिपाही हैं, जो उनका निर्देश होगा उस पर हम अक्षरशः कदम ब कदम उसका पालन करेंगे। पहली तो जिलाध्यक्ष सहारनपुर की ये बात है। दूसरी बात आपको एक और बता दूं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने के साथ चौधरी अजीत सिंह ने एक बार भाजपा से गठबंधन किया था, जो आप सवाल पूछते मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे। उन्होंने संसद में खड़े होकर ये बयान दिया था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री बनेंगे बिगड़ेंगे, ये मैटर नहीं रखता। मैटर ये मेरे याद है वो बयान उनका, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बयान दिया था कि इसका महत्व नहीं है, महत्वता इस बात का है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत, हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान जिंदा रहे, इस बात की अहमियत है। भाजपा की या कांग्रेस की अहमियत नहीं है कि सरकार किसकी बने किसकी ना बने। आज वही भारतीय जनता पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी थी, उनके सिद्धांतों से, उनके असूलों से बिल्कुल हट चुकी है। केवल और केवल बांटने की, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की जो राजनीति थी डिवाइड एंड रूल, उस पर वो काम कर रही है। और राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं का दल है। चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा किसान की, दलित की, अल्पसंख्यक की, शोषित समाज की, जो भी समाज के अंदर जो है वो उपेक्षित वर्ग रहा है, हमेशा उसकी आवाज उठाने का काम किया है। हम सरकार में रहें ना रहें, किसके साथ रहें किसके साथ ना रहें, ये तो एक भविष्य में कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ रहेंगे, ना कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ। सहारनपुर लोकसभा की अगर हम बात करें, या पूरे मंडल की अगर हम बात करें, मंडल के लिए अगर हम बात करें, सहारनपुर मंडल में जहाँ राष्ट्रीय लोकदल बड़े मजबूत स्थिति में अभी हाल में है, काफ़ी सीटों पर आपका कब्जा है पूरे मंडल में, अगर हम बात करें 3 लोकसभा सीटें आती हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, ये तो डिपेंड करता है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पर, वो क्या फैसला लेंगे। जो उनका फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा। लेकिन मैं जिलाध्यक्ष होने की हैसियत से, मेरे ज़िले में डेढ़ लोकसभा की सीट हिस्से में आती है, और डेढ़ मुजफ्फरनगर और शामली दोनों के हिस्से में आती है। अपने सुप्रीमो से, रालोसपा माननीय जयंत चौधरी जी से ये मांग करूँगा कि वो कैराना लोकसभा राष्ट्रीय लोकदल के खाते में रखें। उसका एक मेरे दावा करने का एक कारण है, उसका एक प्ली है, उसकी एक सबूत है, उसका एक वजह है मैं किस लिए उस पर दावा कर रहा हूँ। 2018 में लोकसभा का एक उपचुनाव हुआ था, जिसमें बेगम तबस्सुम जी चुनाव लड़ी थी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से। उस समय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। जनता ने राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल को स्वीकार किया और एक तरफा वोट दिया। सरकार केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी। वो शामली और कैराना से 2018 में चुनाव हारी थी। जब वोटिंग हुई, आज उसका वो ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़ थी, जब वोटिंग हुई तो कैराना और शामली से चुनाव हारी थी। आपके थाना भवन, नकुड़ और गंगो
तीनों जगह से उन्होंने लीड ली थी, जिसकी लीड शामली और कैराना के भी हमने जिससे कवर करी, सहारनपुर के अंदर दोनों विधानसभा से वो जीत के गई थी और शामली के अंदर केवल एक विधानसभा से जीती थी, दो विधानसभा से वो चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर भी बहुमत हमारे साथ रहा, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो हम राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल चुनाव जीता। 19वें जनरल चुनाव होते हैं, जनरल चुनाव में 19 में हमारी बहन वही तबस्सुम जी चुनाव लड़ी, गठबंधन और बड़ा हुआ समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी इसमें, तो तीन पार्टियों का एक बड़ा गठबंधन हुआ, गठबंधन भारी हुआ, उसका एक वाइड स्वरूप हुआ, लेकिन और उनके पास सिंबल समाजवादी का था, वही कैंडिडेट था, सिंबल समाजवादी का था, साइकिल का निशान पर बेगम तबस्सुम चुनाव लड़ी और नतीजा ये हुआ कि गठबंधन बड़ा होने के बावजूद बेगम तबस्सुम चुनाव हार गई। तो इससे ये बात साबित हुआ कि कैराना लोकसभा की जनता या सहारनपुर की खासतौर से नकुड़ और गंगो की जो बात कर रहा हूँ, उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल, वहां की जनता ने राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल को ज्यादा आशीर्वाद दिया बनिस्बत समाजवादी पार्टी के सिंबल के। इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी जहां से वो चुनाव पिछली बार जीत के गई थी, आपका थाना भवन, आपका नकुड़, आपका गंगो, वहां से भी वो चुनाव हार गई। तो इसकी बात ये साबित होती है कि कैराना लोकसभा की जनता राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल को ज्यादा आशीर्वाद देना, माननीय जैन चौधरी को बड़ा आशीर्वाद देना का मन रखती है। इसीलिए मैं माननीय जयंत जी से अनुरोध करता हूँ कि वो कैराना लोकसभा जरूर रखें और जब हम कैराना लोकसभा की से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो मुझे यकीन है पूरा जनता के भरोसे कि हम विजयश्री हासिल करेंगे। सालोद के सिंबल में बड़ी ताकत ऐसा मानते हैं, लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव के बाद क्या सरकार में शामिल होंगे जयंत चौधरी, आपको लगता है? अगर इंडिया की सरकार वहां बनती है तो निश्चित तौर से इंडिया की सरकार में निश्चित तौर से जो है वो सरकार में शामिल होंगे। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।